हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड विश्वविद्यालय हल्द्वानी से। आज हम इंट्रोडक्शंस ऑफ रिसर्च के बारे में चर्चा करेंगे। ये रिसर्च क्या होता है? रिसर्च की आवश्यकता हमको क्यों पड़ रही है? रिसर्च कौन कर सकता है? देखिए, मानव एक ऐसा प्राणी है जिसको निरंतर नई नई चीजों की खोज की आवश्यकता होती रहती है। वो अपने अद्यतन ज्ञान से अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि करता रहता है। उसके द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को, हमारे समाज को लाभदायक होता है। इसलिए हमको जो है नई नई चीज को, नए ज्ञान को, नई शिक्षा को, नए शोध को, नए रिसर्च को हम लोग करते रहते हैं। तो रिसर्च का मतलब होता है कुछ नई चीज, कुछ नए तथ्य, कुछ नई थ्योरी, कुछ नए फैक्ट्स को खोजना, जिनकी आज तक जो है हमारा समाज में जानकारी प्राप्त नहीं होती। ये समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, मानव एक ऐसा जीव है जिसको निरंतर जो है अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करनी पड़ती है। अब वो ज्ञान में अभिवृद्धि कैसे करता है? इसके बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि मानव जो है प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, मतलब उसको ज्ञान का संचय करना है। वो निरंतर अपने साधनों से, अपने माध्यमों से ज्ञान का निरंतर संचय करता रहता है और उस ज्ञान को ट्रांसफर ऑफ नॉलेज अर्थात सोसाइटी के लिए ट्रांसफर करता रहता है, वितरण करता रहता है। न केवल अपने पास उस ज्ञान को सीमित रखता है, बल्कि समाज को भी वो विस्तारित करता है, समाज को भी वितरण करता है। और उस ज्ञान को क्रिएशन ऑफ नॉलेज, नया ज्ञान भी सृजित करता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि समाज में जो है मानव जो है ज्ञान का सृजन कर रहा है, नए ज्ञान को जोड़ रहा है, नए तथ्यों को जोड़ रहा है। ये सारी चीजें जो है हमारे समाज में निरंतर होती रहती है। और रिसर्च का तात्पर्य यही है कि नई नई चीजों को खोजना, इनोवेटिव चीजों को खोजना। जो चीजें अब तक हो चुकी हैं उसमें हम क्या चीज नया खोज सकते हैं, क्या हम नया जोड़ सकते हैं, ये सारी चीजें जो हैं रिसर्च के माध्यम से हम लोग करते हैं। अब रिसर्च जो है ये हमारे जीवन में जो है बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंडिविजुअल हो सकती हैं, सोसाइटी की हो सकती हैं, आपके विश्वविद्यालय की हो सकती हैं, आपके कॉलेज की हो सकती हैं, जिस स्थान पर आप रह सकते हैं, वो ए लॉट ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स वी हैव टू फेसिंग। तो ये सारी समस्या का निदान हम कैसे करेंगे? इसको हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, जो समाज में रह सकता है वो कर सकता है। तो छोटी छोटी समस्याएं जो होती हैं उसको रिसर्च के माध्यम से उन समस्याओं का निदान कर सकते हैं। हाँ, ये है कि विश्वविद्यालय स्तर पर कुछ रिसर्चर होते हैं जिन जो अपने सुपरवाइजर के माध्यम से शोध कार्य को पूर्ण करते हैं, लेकिन अन्य संस्थानों में एक्शन रिसर्च एक चीज है, तो उसके माध्यम से हम समस्याओं का निदान करते हैं। देखिए, अगर आप ये देखेंगे कि प्राचीन काल में भी समस्याएं होती थी, तो समस्या के लिए कहाँ मैं समस्याएं होती थी, व्यक्ति उन समस्याओं को निदान करने के लिए जो अथॉरिटीज होती थी, जो पावरफुल लोग होते थे, उनके पास अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए जाते थे। और वे व्यक्ति सीरियसली तरीके से उनकी समस्याओं का निदान करते थे। अथॉरिटी हैव द लॉन्ग एक्सपीरियंस, हैव स्टडी डीपली द थॉट्स अबाउट मच टू द सॉल्व ऑफ द प्रॉब्लम्स। वे उनकी समस्याओं का निदान करते थे क्योंकि उनके पास एक लंबा अनुभव होता था। आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में जो है जो राजा महाराजा होते थे वो लोगों की समस्याओं का निदान करते थे, सभाएं आयोजित करते थे, न्यायाधीश उनके पास होते थे और वे उन समस्याओं का निदान करते थे। तो ऐसे पर्सन कौन होते थे, ये जो अथॉरिटीज कौन होती थी? ये पर्सन हैविंग पावर ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, दे गिव टू राइट ऑर्डर्स, मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स एविडेंट कंट्रोल। अर्थात उनके द्वारा जो है पावर को नियंत्रित किया जाता था। उनके जो डिसीजन होते थे वो सारे समाज को जो है मान्य होते थे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उनके समाज को जो है डिसओबे नहीं करता कर सकता था। तो वे संपूर्ण सत्ताधारी थे लेकिन न्याय करते थे। एंशिएंट पीरियड में अगर हम बात करें तो कुछ जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल जो हैं वो एक ऐसे रिसर्चर रहे हैं जिन्होंने टॉप
पृथ्वी को जाना है, प्रथम टाइम जो है सत्य का खोज की है. दे हैव ए लॉन्ग एक्सपीरियंस एनालिसिस फैक्ट. ये सारी चीजें जो है हम रिसर्च के माध्यम से जो है प्राचीन काल में भी जो है रिसर्च होती रहती थी, और इस पर जो है हम आज ये सारी चीजें जो है इनके माध्यम से. इवोल्यूशन कस्टम एंड ट्रेडिशन केयरफुल देन एक्सेप्ट एज ट्रुथ. क्योंकि हम जो कस्टम्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, क्या वो सत्य हैं? और सत्य के आधार पर ही हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं. यदि वो सत्य नहीं है, यदि इसमें कुछ कमियां आ गई हैं, तो हम उनको जो है कुछ समय के बाद एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको हटा देते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर प्राचीन काल में भी जैसे स्कूल में जो सेटिंग थी, वो टीचर ऑफ्टन रिले ऑन ट्रेडिशन या पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर जो है अपनी जो विश्वविद्यालय का कार्यक्रम था उसको चलाता था, अपने अनुभव के आधार पर शैक्षणिक कार्य करता था. तो उस समय में भी बहुत सारे जो है शोध हुए हैं, लेकिन इस तरीके का शोध नहीं हुआ जिस प्रकार के शोध आज हमारे समाज में हो रहे हैं. देखिए, ट्रेडिशंस में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी जो ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो यदि वैलिड हैं, समाज उसको सत्य मान रहा है, तो वे ट्रेडिशंस हम मान रहे थे. लेकिन बट मैनी थ्योरी बेस्ड अपॉन ट्रेडिशन प्रिवेंस फॉर ईयर्स वीएलएस इन रिजेक्टेड इरोनियस. क्यों? क्योंकि वो समाज के लिए आज मान्य नहीं है. वो नई थ्योरी चाहते हैं, नई चीज चाहते हैं, और वो सब जो है हमको रिसर्च के माध्यम से, शोध के माध्यम से हमने उनको किया. आप देखेंगे एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, अनुभवी लोग होते थे उस समय. हम अपनी समस्या को अनुभवी व्यक्तियों के माध्यम से अपनी समस्याओं का निदान करते थे, उनके पास जाते थे, वे अपने अनुभव के आधार पर सॉल्यूशन करते थे और हम हमारी समस्या का निदान होता. बट आज हम क्या देख रहे हैं कि आज जो है रिसर्चर सुपरवाइजर्स विभिन्न प्रकार की खोजें कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के शोध कार्य कर रहे हैं. विश्वविद्यालय स्तर पर आज अनेक विषयों में शोध कार्य जो है कराया जा रहा है. इसके बहुत सारे चीजें हैं जिसके आधार पर हम शोध कार्य करते हैं. लेकिन अब शोध किसको कहेंगे, कौन से कार्य को हम शोध कहेंगे? देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे साइंटिफिक मेथड्स की. साइंटिफिक मेथड्स के माध्यम से जो शोध कार्य किया जाता है वो एक श्रेष्ठ शोध कार्य होता है. When people begin to think systematically actually, then thinking logical began. Systematic approach of reasoning. जब हम systematic सोचेंगे, तर्क के आधार पर किसी चीज को मान्यता देंगे, उसके systematic reasons को हम ढूंढेंगे, modification as new evidence to found, या subject to revisions, बार बार हम सब्जेक्ट का रिविजन करेंगे, उसको मॉडिफिकेशन करेंगे, उसमें सुधार करेंगे, उसमें चेंज करेंगे, उसमें किस चीज की आवश्यकता है, तो ये साइंटिफिक मेथड्स जहां पर यूज होता है उसको ही हम जो है एक रिसर्च का सही स्टेप्स मान सकते हैं. इसके आधार पर हम बहुत सारी थ्योरीज डेवलप करते हैं, न्यू नॉलेज करते हैं, न्यू डिस्कवरी करते हैं, न्यू प्रिंसिपल्स इसके आधार पर जो है स्थापित किए जा रहे हैं. लेकिन ये एक सिस्टम से होता है, एक साइंटिफिक मेथड्स जो है विश्वविद्यालय स्तर पर, कॉलेज स्तर पर या समाज में जो है अनेक स्थानों पर जो साइंटिफिक मेथड यूज हो रहा है वही एक सही रिसर्च को जो है हम मानते हैं. अब इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, साइंटिफिक मेथड्स में स्टेप्स कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए? देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे. सबसे पहले तो इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स. यदि रिसर्च के लिए किसी ना किसी समस्या का होना अति आवश्यक है, ये समस्याएं किसी भी स्तर पर हो सकती है, किसी भी संस्थान पर हो सकती है, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं, जो स्टेप्स हम लेंगे, फर्स्ट ऑफ स्टेप्स वी हैव टू आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, इन द इंस्टीट्यूट एंड पर्सनल्स एज यू आर थिंकिंग. बहुत सारे हो सकते हैं, तो उस समस्या को हम ढूंढेंगे. कैसे ढूंढेंगे, ये बहुत सारे माध्यम्स हैं, इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे. और उन जो समस्या हमने ली है उसके जो टर्म्स हैं, उसकी डेफिनेशंस
जो है अपने शोध कार्य में जो है यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये सबसे पहला जो है एक स्टेप्स हमारा जो है प्रॉब्लम्स को ढूंढने का होता है। देन वी हैव टू फॉर्मुलेशन ऑफ ए हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है, हमारी परिकल्पनाएं होती हैं, हमारे सोचने का तरीका होता है। हम ये सोचते हैं कि ये घटना जो घटी है वो इस आधार पर जो है इसका निदान किया जा सकता है, उसके आधार पर हम अपनी एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। देन इम्प्लीकेशन ऑफ हाइपोथेसिस थ्रू डिडक्टिव रीजंस। उस हाइपोथेसिस के उन कारणों को हम ढूंढते हैं कि जिसके आधार पर ये समस्याएं का निदान हो सकता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता, कलेक्शन ऑफ द डाटा। When we have to collect the data, then we have to analysis of the data and for the evidence. और उस डाटा के आधार पर we have to do the verifications. What is the truth? What are the fact? सत्य क्या है? उस समस्या का निदान कैसे हो सकता है? उसका एक हम results तैयार करते हैं। एक उस जो hypothesis हमने बनाई थी, उसको उस रिजल्ट्स के आधार पर, उस डाटा के आधार पर, उस स्टैटिकल मेथड्स के आधार पर हम उसको एक्सेप्टेशन करते हैं या हम उसको रिजेक्शन कर देते हैं या हम उस हाइपोथेसिस में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं एक साइंटिफिक मेथड्स के आधार पर हम अपनी समस्या को कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। इसकी विशेषताएँ क्या हैं रिसर्च की? तो सबसे पहले तो ये होता है इसमें दो वेरिएबल्स टू डिटरमाइन इन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इनका दो वेरिएबल्स का होना अति आवश्यक है। इतने वेरिएबल्स दो से अधिक भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। हम लोग इसको जो है कास्ट बेस पे ले सकते हैं, अर्बन रूरल बेस पर हम जो है वेरिएबल्स का चयन कर सकते हैं, एजुकेशन के आधार पर हम कर सकते हैं, मेल फीमेल के आधार पर इन वेरिएबल्स को ले सकते हैं, और इनमें से दो मिनिमम जो है वेरिएबल्स का होना अति आवश्यक है। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर रिसर्च। देन डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशंस, प्रिंसिपल, फैक्ट, थ्योरी, ट्रुथ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कुछ सिद्धांतों का निर्माण करना चाहते हैं, कुछ नए तथ्य पैदा करना चाहते हैं, कुछ नए सत्यों का पता करना चाहते हैं। यही तो ट्रुथ, यही तो हमारी रिसर्च है। रिसर्च के बारे में हम कुछ खोजना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज खोजना चाहते हैं जो अभी तक हमारे समाज को हमको जानकारी नहीं, नई चीजों को हम ज्ञान प्राप्त करना था। वी हैव टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन रिटेनेबल। मतलब इसके लिए हमको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का निर्माण करना होगा जो हमारे शोध कार्य से संबंधित है। अब हमने ये ऑब्जेक्टिव तो कर लिए, हाइपोथेसिस हमने बना ली, लेकिन इसमें क्या है सबसे बड़ी जो चीज होती है रिसर्चर के लिए, वो पैशंस एंड हरिड एक्टिविटीज, उसमें जो है ये सारी चीजें होना आवश्यक है। यदि उसमें पैशंस नहीं है देन ही कैन नॉट डू द रिसर्च। डेप्थ स्टडी करना होता है, उसको अपने काम में समय लगेगा, नए लोगों से नई जानकारी प्राप्त करने से उसको नई जानकारी प्राप्त होगी। तो ये सारी चीजें हमको जो है उसको पेशेंस लेना होगा। देन रिसर्च रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज, और इसमें जो है रिसर्च के लिए एक्सपर्टाइज भी होना हमको जानकारी है कि किस स्टेप्स के आधार पर हम अपनी एक रिसर्च को कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने हमारे सामने कोई समस्या आई और हमने तुरंत जो है, जैसे अभी हम आपसे पूछेंगे भाई आपकी कोई समस्या है, तो आप सोचेंगे कि हमारी तो कोई समस्या नहीं, लेकिन समस्या है। इफ वी हैव टू थिंक सीरियसली देन वी हैव फेसिंग अ लॉट ऑफ मेनी प्रॉब्लम फॉर डेली इन लाइफ। तो क्या समस्या है? तो समस्या को ढूंढना, समस्या का निदान करना, इसके लिए भी एक एक्सपर्टाइज हमारा होना अति आवश्यक है। फिर इसके लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी डेवलप करेंगे, कौन सी टेक्निकल स्किल हमारे अंदर जो है होना चाहिए, किस चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए। आज जैसे मौलिक शोध में नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए टेक्निक्स से जो है शोध कार्य कर रहे हैं। आज हमारी ई लाइब्रेरी के माध्यम से हम बहुत सारी सूचनाएं जो हैं
घर बैठे अपने कॉलेज पे अपने विश्वविद्यालय स्तर पर जो है प्राप्त कर सकते हैं हमको बाहर, और कौन कौन से रिसर्च अभी तक हुए हैं उसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसमें जो एक और बड़ी बात हम कहेंगे, रिपीटिशंस से अगर हमने बचना है तो इसके लिए, या डुप्लीकेशन से हमको बचना है तो वी हैव टू सर्च द रिलेटिव लिटरेचर। अब ये रिलेटिव लिटरेचर हमको कहाँ मिलेगा? बहुत सारे हमारे माध्यम्स हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुक्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, रेफरेंस हैं, सिनॉप्सिस हैं, हमारे थीसिस हैं, डॉट ऑफ चेयर रिपोर्टेड हैं जो हम रिसर्च कर रहे हैं। आज यूजीसी के माध्यम से इन्फ्लेनेट पे जो है हम देश में जो जो शोध कार्य हो रहे हैं, जो पीएचडी पाठ्यक्रम जो चल रहे हैं, वो सारे जो हैं एक स्थान पर जो है वहाँ पर यूजीसी में इन्फ्लेनेट के माध्यम से चढ़ाए जा रहे हैं, और हम उसको देख सकते हैं कि कौन सा शोध कार्य हमारे लिए लाभदायक है, उससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक एक, एक जो है उस एरिया को, उस क्षेत्र को, उस पॉपुलेशन को हमको एक टारगेट करना पड़ता है कि किस पॉपुलेशन पर हम अपना शोध कार्य करें। देखिए पूरी पॉपुलेशन पे हम शोध नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको क्या हो, सैंपल ऑब्जेक्ट, एक सैंपल उसमें से लेना होता है, कुछ पार्ट्स हमको लेना पड़ता है, कुछ अंक लेने पड़ते हैं, कुछ मानक के आधार पर, ताकि वो पूरा पॉपुलेशन का जो है एक तरीके से उसका नेतृत्व कर सके, उसके अंदर पूरी पॉपुलेशन की जो विशेषताएं हैं वो उसके रिसर्च में आ सके हमारे, तो हम एक सैंपल लेते हैं, क्योंकि ये सब संभव नहीं है, हो पाता है कि पूरे पॉपुलेशन के आधार पर हम अपना रिसर्च करें। तो जब सैंपल ले लेते हैं फिर हम जो है हमारे पास एक डाटा हम कलेक्ट करते हैं, ये हम अपना डाटा एक क्वेश्चनार्स के माध्यम से कलेक्ट कर लेते हैं, इंटरव्यू के माध्यम से जा करके हम बात कर रहे हैं, शेड्यूल हम बना लेते हैं, उसके आधार पर हम जो है एक डाटा हम तैयार करते हैं। वी हैव टू ट्राई फर्स्ट ऑफ ऑल कि दैट वी हैव टू गेन द प्राइमरी सोर्सेज, क्योंकि अगर प्राइमरी सोर्स हमको मिल जाता है तो वो हमारे शोध के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सेकेंड जो सोर्सेज होते हैं हो सकता है उसमें कुछ लेखक ने कुछ बदलाव कर दिया, कुछ परिस्थितियों में बदलाव कर दिया, लेकिन जो प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी जो डाटा हमारे पास होता है, प्राइमरी जो सैंपल है वो बहुत ही रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण होता है, और उसके लिए हम एक अपना सेलेक्ट कर लेते हैं किस कितना जो है हमको डाटा कलेक्ट करना है, उसका एक रिकॉर्ड हम बना लेते हैं, इसके बाद हम उसको प्रेजेंट करते हैं, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन करते हैं, मेजरमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन उसको आंकते हैं, उसको मेजर करते हैं कि सही क्या है, क्या वो जो डाटा हमने लिया है, जो हम हमारी जो assumption थी, जो hypothesis थी, उसके आधार पर वो खरा उतर रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए पूरा हमको एक एनालिसिस डाटा का करना होता है, तब हम एक उसके आधार पर एक रिजल्ट हम लोग तैयार करते हैं कि ये जो हमारी hypothesis थी उस रिजल्ट के आधार पर एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, और एक सजेशंस ऑफ द अदर्स स्कॉलर्स या इन फ्यूचर्स में जो रिसर्चर्स रिसर्च करेंगे उनके लिए हम एक सुझाव दे सकते हैं, एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, ताकि उनके लिए एक समस्या जो हम ढूंढ रहे हैं या रिसर्च स्कॉलर नया ढूंढता है वो उसको उनके थीसिस से प्राप्त हो सके, उनके एमफिल पाठ्यक्रम में जो थीसिस जमा करते हैं वो उनसे प्राप्त हो सके। और इसके लिए लास्ट में हम क्या लगते हैं, रेफरेंस का भी उसमें थीसिस में जो है एक लगाना बहुत आवश्यक होता है, क्वेश्चनार्स हमने कौन सा यूज किया है उसको हम लगा सकते हैं, जो रिजल्ट्स हमने प्राप्त किया है वो रिजल्ट्स भी जो है उसमें लगाया जाना चाहिए। तो ये सारी जो है एक थीसिस तैयार हो जाएगी, ये एक रिसर्च का एक माध्यम है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन आधार पर हम एक शोध कार्य एक नई चीज जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब ये नेचर ऑफ एजुकेशन रिसर्च के बारे में अब हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए एजुकेशन इज ए बिहेवियर साइंस, एजुकेशन इज एन आर्ट,
अब बात करेंगे, क्या ये रिसर्च सिर्फ साइंस में ही हो सकती है? क्या आर्ट में नहीं हो सकती? नहीं, देखिए साइंस और आर्ट दोनों में ही शोध कार्य किया जाता है। आप देखिए सोशल साइंस के अंतर्गत आप देखेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप हिस्ट्री हैं, पॉलिटिकल साइंस हैं, इकोनॉमिक्स हैं, ज्योग्राफी हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक सिस्टेमेटिक तरीके से एक नए शोध कार्य जो है किए जा रहे हैं। साइंटिफिक नॉलेज एंड टू एडुकेटर्स के पास होना चाहिए। हाँ, ये है कि सिस्टेमेटिक एस्पेक्ट्स आपके पास हो, सिस्टेमेटिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च, इसका आपको पालन करना होगा, तभी आपका जो रिसर्च है उसका औचित्य जो है या एक नई चीज जो है निकल करके आपकी आएगी। अब नीड ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन के बारे में, इसकी आवश्यकता क्या है, रिसर्च करने की हमको जरूरत क्या है, जब हमको जो है क्या इसके लिए हमको कठिन मेहनत करनी चाहिए, इसके बारे में हमको विचार करना होगा कि रिसर्च हम क्यों करते हैं, क्यों आवश्यकता है रिसर्च की आवश्यकता है, क्योंकि हमको आदत है नए ज्ञान की, न्यू नॉलेज, इफेक्टिव बनना चाहते हैं, नए ज्ञान का सृजन करना चाहते हैं, नए तथ्यों का ज्ञान करना चाहते हैं, नए थ्योरी बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हमको जो है रिसर्च की आवश्यकता है, क्योंकि हमने थ्योरी तो बना ली लेकिन उसमें हम नया क्या जोड़ रहे हैं, नई थ्योरी क्या दे रहे हैं, एजुकेशन प्रोग्राम हम क्या बना रहे हैं, नई नॉलेज हम क्या दे रहे हैं, समाज को क्या दे रहे हैं, छात्र को क्या दे रहे हैं, तो इसके लिए निरंतर रिसर्च की बहुत अधिक आवश्यकता है। आज हमारा MHRD जो विभाग है, जो हमारा पूरे देश में रिसर्च के ऊपर जो है दबाव जोर डाल रहा है कि आप अपने विश्वविद्यालय में शोध कार्य एवं नवाचार के माध्यम से जो है नई नई शोध कीजिएगा, और इसके माध्यम से UGC ही नहीं बल्कि अनेक संस्थान जो हैं छात्रों को, शिक्षकों को प्रोजेक्ट के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं, और जिसके माध्यम से नई पॉलिसी बन रही है, नए फैक्ट निकल करके आए, नए ट्रुथ निकल करके आएंगे आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं रिसर्च के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, ये हमारी एक आवश्यकता है, क्योंकि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्यूशन बेस्ड रिसर्च कैसे करें, हमको चेंजिंग करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, ये हमारी आवश्यकताएं हैं। देखिए शिक्षा तो हम लेते रहते हैं लेकिन शिक्षा के साथ साथ रिसर्च, जैसे रिसर्च एजुकेशन एजुकेशन फॉर ऑल टाइम्स, ऑल प्लेस, ऑल सिचुएशन एंड सर्कमटाइम्स ऑफ एक्सिस्टेंस, जैसे हम शिक्षा हर समय ले सकते हैं, हर जगह ले सकते हैं, लेकिन वैसे भी हम रिसर्च को करने का प्रयास करते हैं, अपनी समस्या को निदान करते हैं और उसको जो है इम्प्रूव करते हैं। जैसे अभी हमारा कंटेंट है जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हमको कुछ चेंज करना है, कुछ परिवर्तन करना है, कुछ इम्प्रूव करना है, तो ये सब हम ये देखेंगे कि हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है, हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो मेथड्स ऑफ बुक्स हैं, मेथड्स ऑफ इवोल्यूशंस क्या हैं, उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, ये हम लोग रिसर्च के माध्यम से करते हैं। आप रिसर्च के माध्यम से इसमें जो है कल जब आप रिसर्च करेंगे तो इसमें ये आप रिसर्च किया जा सकता है। तो मैं सभी छात्रों का धन्यवाद करता हूँ, और ये बड़ा इंटरेक्शंस की क्लास हम लोगों की लगी। थैंक यू।